हेलो डियर स्टूडेंट्स, नाउ टुडे वी रीड अवर थर्ड चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज़ लेवल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्म्ड एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, बट देयर इज़ ओनली अ डिफरेंस ऑफ डिग्री. जो फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, वो सारे लेवल्स पे परफॉर्म किए जाते हैं मैनेजमेंट के, पर उनका एक उनके बीच में अंतर क्या होता है, एक डिग्री का अंतर होता है. अब इसमें हमारे पास देखो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, हमारे पास लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कौन कौन से हैं, टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल, और सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट. एंड देयर आर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. देयर आर फाइव फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, एंड इन डायरेक्टिंग, सुपरविजन्स, कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड मोटिवेशन, ये सब किसके अंदर आते हैं, डायरेक्टिंग के अंदर आते हैं. अब हम पढ़ेंगे हमारा थर्ड चैप्टर. After clarifying the means and nature of management, now the question arises, what are the different functions performed by management? अब हमने इसका meaning और nature management का पढ़ लिया है. अब हमें ये question put up होता है कि कौन कौन से functions जो हैं वो management perform करता है. Apart from this, in order to successfully accomplish predetermined target of an organization, how does an idea pass through various managerial levels to become a reality? अब जब हमने कोई अपना objective जो है, target जो है, वो achieve डिटरमाइन कर लिया है कि हमें क्या अचीव करना है, तो अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि कैसे वो जो टारगेट है, आइडिया है, वो कैसे डिफरेंट लेवल्स पे पास होएगा. आंसर टू बोथ दिस क्वेश्चंस आर ड्यूली गिवन इन दिस चैप्टर. अब हम इसके बारे में ही आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे. फर्स्ट देखो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. इट विल बी बेनिफिशियल टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड देन द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. अब हमें ये लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने से पहले हमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो समझना पड़ेगा. अब देखिए, ऑल द एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. जो भी एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं, उनको दो कैटेगरीज में बांट दिया जाता है. एक होती है मैनेजरियल मेंबर्स होते हैं, और दूसरे होते हैं नॉन मैनेजरियल मेंबर्स. ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिवीजन ऑफ एम्प्लॉयज़ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड लेवल्स. फर्स्ट हमारे पास है इसमें मैनेजरियल लेवल और लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, एंड सेकेंड इज़ नॉन मैनेजरियल लेवल. अब फर्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें मैनेजरियल लेवल के अंदर जो आते हैं मैनेजरियल मेंबर्स कौन कौन से होते हैं. इन दिस कैटेगरी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO, डिपार्टमेंटल मैनेजर, सुपरवाइजर्स एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड. ये मैनेजरियल मेंबर्स होते हैं जो कि फर्स्ट लेवल पे, मैनेजरियल लेवल पे होते हैं, जो कि आइडियाज़ डिटरमाइन करते हैं और उनको आगे बढ़ाते हैं. दे आर कॉल्ड मैनेजर्स. इनको मैनेजर्स कहा जाता है क्योंकि दे मैनेज सम ऑफ द अदर पर्सन. तो क्यों कहा जाता है उनको मैनेजर्स, क्योंकि वो इन सब काम को मैनेज करते हैं और उन पर्सन्स को भी मैनेज करके चलते हैं जिन्होंने वो काम करना होता है. ठीक है, अब सेकंड आते हैं हमारे पास नॉन मैनेजरियल मेंबर्स. इन दिस कैटेगरी वर्कर्स आर इंक्लूडेड. नॉन मैनेजरियल मेंबर्स कौन से होते हैं, जो मैनेजर्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं. कौन होते हैं, वो वर्कर्स होते हैं. द प्लेस एट विच सच एम्प्लॉयज़ वर्क इज़ नोन एज प्लेटफॉर्म एरिया. अब जहाँ पे ये एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उसको कहा जाता है प्लेटफॉर्म एरिया. एज दे आर एट द लोएस्ट लेवल ऑफ द चेन इन द ऑर्गेनाइजेशन, दे डू नॉट हैव एनी सबॉर्डिनेट्स, दैट इज़ वाई दे कैन नॉट बी कॉल्ड मैनेजर्स. अब ये जो है सबसे लोअर लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन के काम करते हैं, इसलिए इनको मैनेजर्स नहीं कहा जाता है. फॉर दिस रीज़न दे आर नॉट काउंटेड अमंग लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, दे फॉर्म द नॉन मैनेजरियल लेवल. और इनको लेवल ऑफ मैनेजमेंट में काउंट नहीं किया जाता है, इसलिए इनको ये क्या है, नॉन मैनेजरियल लेवल बनाते हैं. अब देखिए हमारे पास एक ये डायग्राम है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का. तो हमारे पास सबसे पहले इसमें है टॉप लेवल मैनेजर्स. टॉप लेवल मैनेजर्स आपने पढ़े हैं, ये कौन कौन से, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO, सुपरवाइजर्स, ये सारे टॉप लेवल में आते हैं. ठीक है, ये मैनेजरल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, इनको मैनेजर्स कहा जाता है. मिडल लेवल मैनेजर्स होते हैं, एंड देन लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं. ये सारे मैनेजरल लेवल में ही आते हैं, जो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मैनेजर्स होते हैं. ठीक है, ये एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं. और किनसे ये जो हैं, देखो लास्ट में ये है नॉन मैनेजरल लेवल, ये जो हैं ये होते हैं वर्कर्स, जो उनकी मैनेजर्स की हेल्प करते हैं काम करने. ठीक है, ये था हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इसमें हमारे पास दो पार्ट आते हैं, मैनेजरल लेवल और नॉन मैनेजरल लेवल्स.
अब हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. लेवल ऑफ मैनेजमेंट डू नॉट हैव अ डेफिनेट नंबर. इट्स नंबर इज़ फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द नेचर साइज ऑफ द बिजनेस. अब ये जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है इसका कोई डेफिनेट नंबर नहीं है. ये किसके अकॉर्डिंग फिक्स किया जाता है? अकॉर्डिंग टू बिजनेस नेचर साइज. अब ब्रिज has divided level of management into following three categories. अम्ब्रेज ने जो है इसको three categories में divide कर रखा है. top level management, middle level management and lower level or supervisory management. ये three types के हमारे पास management दिए गए हैं जिसको कि ब्रिज ने क्या किया है, divide कर रखा है. ठीक है, management as a management or levels of management. अब हमारे पास देखिए एक और चार्ट दे रखा है इसमें लेवल ऑफ मैनेजमेंट का. इसमें हमारे पास देखिए आते हैं ये टॉप लेवल मैनेजमेंट. टॉप लेवल मैनेजमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, जनरल मैनेजर्स, ये सारे हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं. ठीक है, उनके नीचे आते हैं मिडल लेवल मैनेजमेंट. अब मिडल लेवल मैनेजमेंट में डिपार्टमेंटल्स जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करे गए होते हैं, उनके मैनेजर्स जो होते हैं डिप्टी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स एंड ऑपरेशन फंक्शनल मैनेजर्स, ये सारे हमारे मिडल लेवल मैनेजमेंट में वर्क करते हैं. और थर्ड है हमारे पास लोअर लेवल और सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट. इसमें हमारे सुपरवाइजर्स होते हैं और फोरमैन होते हैं. एंड देन द प्लेटफॉर्म एरिया. प्लेटफॉर्म एरिया अभी हमने पढ़ा, ये नॉन मैनेजरियल लेवल होता है जिसमें कि सिर्फ वर्कर्स जो हैं वो वर्क करते हैं, तो ये नॉन मैनेजरियल मेंबर कहलाएंगे. ये थे हमारे पास थ्री लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो टॉप है, मिडल लेवल है एंड लोअर लेवल है. इसके अंडर जो हैं ये वर्कर्स जो हैं, ये मेंबर्स जो हैं वो वर्क करते हैं. अब जब हमारा जो टारगेट है वो कौन डिसाइड करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट. ठीक है, वो जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट मिडल लेवल मैनेजर्स को ड्यूटीज़ देता है कि टारगेट को सौंपता है कि कैसे उन्होंने टारगेट को अचीव करवाना है. अब जो ये मिडल लेवल मैनेजर्स होते हैं विद द हेल्प ऑफ सुपरवाइजर्स, तो ये क्या करते हैं, एंड फोरमैन, सुपरवाइजर और फोरमैन की हेल्प से उस लेवल को, उस टारगेट को अचीव करने में कोशिश करते हैं. मतलब उनकी ये सुपरवाइजर जो हैं वो मैनेजर्स की हेल्प करते हैं. एंड देन जो वर्कर्स हैं वो उसको, वो भी क्या है, इनकी ही हेल्प करते हैं. ये प्लेटफॉर्म एरिया में आते हैं. अब हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. इसमें फर्स्ट है टॉप लेवल मैनेजमेंट. इन टॉप लेवल मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स आर इंक्लूडेड. ये आते हैं. चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स कैन बी सिंगल पर्सन और अ कमिटी ऑफ ऑफिसर. अब CEO जो है वो एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है या फिर ऑफिसर्स की एक कमेटी ग्रुप भी हो सकता है. चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कैन बी कॉल्ड बाय मैनी नेम्स लाइक मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, प्रेजिडेंट एक्सेट्रा. अब इसको जो CEO को हम इधर इन नामों से भी जान सकते हैं. टॉप मैनेजमेंट हैज़ ऑल द मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ एंड बिकॉज ऑफ दीज अथॉरिटीज़ ऑफिसर्स ऑफ दिस लेवल आर अकाउंटेबल टू ऑनर्स और शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी. अब टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास जो हैं काफ़ी सारी, पूरी मतलब समझ लो मैनेजमेंट की अथॉरिटीज़ उनके हाथ में ही होती हैं. ठीक है, एंड बिकॉज उनकी इस अथॉरिटीज़ के जैसे उनके पास होती हैं, ऑफिसर्स ऑफ दिस लेवल आर अकाउंटेबल टू ऑनर्स. और जो ये ऑफिसर्स हैं इनको सबको ही क्या है, जवाब देना पड़ता है, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ ऑनर्स जो जुड़े हैं, मतलब जो काम कर रहे हैं, जो शेयर होल्डर्स जुड़े हैं कंपनी के साथ, इन सबको किसको आंसर करना पड़ता है, जो ये टॉप मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं इनके पास. ठीक है, फर्स्ट अब देखो इसमें आता है लिस्ट ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, क्या क्या फंक्शन जो टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करता है, फंक्शंस क्या क्या परफॉर्म करता है. फर्स्ट है डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव. टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो ऑब्जेक्टिव को सेट करता है ऑर्गेनाइजेशन के. जैसे कि एग्जांपल दे रखा है हमारे पास इसमें, एन ऑब्जेक्टिव कैन बी सेट दैट इन द फॉलोइंग ईयर द सेल ऑफ द कंपनी हैज़ टू क्रॉस ₹1000 करोड़. मतलब एक ऑब्जेक्टिव वो बना लेते हैं, टारगेट बना लेते हैं कि हमारी कंपनी की जो सेल है वो 1000 करोड़ से क्रॉस करनी चाहिए. ये अब उनका टारगेट है. ठीक है, उन्होंने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया. फिर उसके बाद वो डिटरमाइनिंग पॉलिसीज़ को बनाते हैं. ओनली एट दिस लेवल पॉलिसी रिलेटेड टू द रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स आर परफॉर्म. मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है इसी पे ही जो है पॉलिसीज़ को, जो मैनेजर्स होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के, वो ही पॉलिसीज़ को बनाते हैं. जैसे कि इट कैन बी सेल पॉलिसी ऑफ अ कंपनी टू जस्ट मेक कैश सेल.
एक सेल पॉलिसी बनाई जाती है कि जो है कैसे कैसे परफॉर्म की जाए, कैसे होनी चाहिए। फिर एक्टिविटीज़, डेटा माइनिंग एक्टिविटीज़, डिफरेंट एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स आर फिक्स्ड। अब डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हैं, जो जो काम करना है उस ऑब्जेक्टिव्स को लेकर, वो भी फिक्स करी जाती हैं, जैसे कि सेल, परचेज, एडवर्टाइजमेंट, प्रोडक्शन, रिसर्च, कि कैसे कैसे ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कौन कौन परफॉर्म करेगा, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। देन असेंबलिंग रिसोर्सेज, नीडेड रिसोर्सेज आर असेंबल फॉर द रियलाइजेशन ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लाइक कैपिटल, कि ये रिसोर्सेज भी कैसे असेंबल करने हैं, ये भी सारे टॉप लेवल मैनेजमेंट का वर्क होता है कि किस किस तरीके से हमने ये रिसोर्सेज को अरेंज करना है। देन कंट्रोलिंग द वर्क परफॉर्मेंस, वर्क इन प्रोग्रेस इज क्लोजली मॉनिटर इन अ कंपनी टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। अब वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि कैसे काम करवाया जाए ताकि हमें जो रिजल्ट है वो मिल सके। एंड देन अप्रूविंग बजट्स, बजट्स प्रिपेयर्ड बाय डिफरेंट मैनेजर्स आर गिवन फाइनल शेप। अब जो डिफरेंट मैनेजर्स हैं वो क्या करते हैं, मतलब कि बजट्स को बनाते हैं, और उनके बजट्स को टोटल कौन मतलब एग्जामिन कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, वो ही उसको फाइनल शेप देता है। दैट इज़ अप्रूवल इज़ गिवन टू द बजट। फिर वो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है बजट्स की अप्रूवल देता है कि ये फाइनल बजट जो है वो कैसे कौन पास कैसे पास किया जाए। देन सेकंड है हमारे पास मिडल लेवल मैनेजमेंट। मिडल लेवल मैनेजमेंट लाइज बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल, ये टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में आता है। इट अंडर दिस डिविजनल हेड्स, डिपार्टमेंटल हेड्स, डिप्टी डिपार्टमेंटल हेड्स, प्लांट सुपरिटेंडेंट्स एंड ऑपरेशन मैनेजर्स आर इंक्लूडेड। ये सारे क्या हैं, पर्सनस इसमें मिडल लेवल में इंक्लूड कर दिए जाते हैं, मतलब वर्क करते हैं। अब इनका इनके फंक्शंस क्या क्या हैं मिडल लेवल मैनेजमेंट के। फर्स्ट है इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज, एट दिस लेवल पॉलिसीज फॉर्म्ड बाय टॉप लेवल मैनेजर्स आर इंटरप्रेटेड। लाइक द मार्केटिंग मैनेजर इंट्रोड्यूस हिज सेलमैन फॉर द सेल पॉलिसी ऑफ द कंपनी दैट एट नो कॉस्ट क्रेडिट सेल विल बी मेड। अब जो है कि पॉलिसीज को ये मैनेजर जो हैं, टॉप लेवल मैनेजर जो है वो जो फ्रेम करता है, वो क्या करता है, ये मैनेजर मिडल लेवल मैनेजर जो है वो सेल्समैन को पूरी पॉलिसीज़ के बारे में समझाता है कि कैसे कंपनी की पॉलिसीज़ अप्लाई करनी चाहिए ताकि कैसे ही हो क्रेडिट सेल ना। देन प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, एवरी मिडल लेवल मैनेजर प्रिपेयर आउटलाइन ऑफ हिज रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट इन अकॉर्डेंस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप किया जाता है, एक प्रिपेयर किया जाता है, जो मिडल लेवल मैनेजर होता है वो प्रिपेयर करता है एक आउटलाइन अपने डिपार्टमेंट की, जो जो वो डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, ठीक है, एक आउटलाइन प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज़, जो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं वो एम्प्लॉयज़ को भी अपॉइंट करते हैं कि कैसे उन एक्टिविटीज़ को उन डिपार्टमेंट्स में वर्क किया जाए। देन इशूइंग इंस्ट्रक्शंस, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स जो हैं वो क्या करते हैं, अपने सबॉर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि कैसे क्या काम किस समय पे करना चाहिए और कौन उस काम को करेगा। नीडफुल रिसोर्सेज आर मेड अवेलेबल टू सबॉर्डिनेट सो दैट दे कैन डू द असाइंड जॉब अंडर इंटरप्टेड। अब ये जो है रिसोर्सेज कैसे उनको अवेलेबल कराई जाए सबॉर्डिनेट्स को, ये सारे क्या कौन देखता है, मिडल लेवल मैनेजर्स देखते हैं। देन मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज, मिडल लेवल मैनेजर मोटिवेट देयर एम्प्लॉयज़ बाय वेरियस मीन्स सो दैट दे वर्क मोस्ट एफिशिएंटली टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल एम्प्लॉयज़। अब मिडल लेवल मैनेजर जो हैं वो क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ को भी मोटिवेट करते हैं कि वो अपने काम को और अच्छे से करें ताकि वो जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम अच्छे से अचीव कर सकें। Then sixth is creating cooperation. Cooperation among different division is required to successfully achieve company's objective. अब जब इन सब काम को करने में क्या है, cooperation की बहुत ज़रूरत पड़ती है, और वो कौन करता है, middle level managers जो होते हैं वो सबके बीच में cooperation को बना के चलते हैं कि कैसे जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है वो ईज़िली अचीव हो सके। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं ये मिडल लेवल मैनेजर जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। देन थर्ड है हमारे पास लोअर लेवल और सुपरवाइजरी, दिस इज़ द लास्ट लेवल, थर्ड लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सुपरवाइजरी मैनेजमेंट इसको कहा जाता है। अंडर दिस वेरियस फॉरमैन एंड सुपरवाइजर्स आर इंक्लूडेड, इसके अंडर जो है फॉरमैन और सुपरवाइजर्स भी को इंक्लूड किया जाता है, और उनको कहा जाता है फर्स्ट लाइन
मैनेजर, उनको फर्स्ट लाइन मैनेजर कहा जाता है। अब ये जो फॉरमैन्स हैं, ये सुपरवाइजर्स हैं, ये क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं? तो ये हमारे पास फर्स्ट है इसमें सबमिटिंग वर्कर्स ग्रीवियंसेस। ये क्या है? लोअर लेवल मैनेजमेंट मैनेजर्स जो होते हैं, ये क्या है, वर्कमैन के कॉन्टैक्ट में होते हैं, क्योंकि इनके नीचे ही जो है वर्कर्स आते हैं, तो इनके साथ इनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। तो ये क्या करते हैं, इनकी जो रिपोर्ट है सुपरवाइजर्स, इनकी रिपोर्ट आगे ऊपर मैनेजर्स तक पहुँचाते हैं, और अगर उनके बीच में कोई भी प्रॉब्लम हो तो उनको भी ये वर्कमैन्स जो होते हैं वो सॉल्व करते हैं। इंश्योरिंग प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट। अब लोअर लेवल मैनेजर्स जो होते हैं क्या है, वो प्रॉपर अरेंजमेंट देखते हैं कि वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, वेंटिलेशन, क्लीनिनेस, ये सारे जो हैं वर्कर्स को प्रोवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, और ये सारा उनको प्रोवाइड अच्छे से करके देते हैं ताकि उनकी एफिशिएंसी जो है वो काम करने की जो क्षमता है वो बढ़ सके। थर्ड है इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। अब ये जो है वर्कर्स की सेफ्टी भी जो है वो कौन देखता है, सुपरवाइजर्स और फोरमैन देखते हैं। देन हेल्पिंग मिडल लेवल मैनेजमेंट। अब मिडल लेवल मैनेजमेंट के बाद ही लोअर लेवल मैनेजमेंट आता है, तो ये क्या है, मिडल लेवल मैनेजर्स के साथ हेल्प करते हैं इन रिक्रूटिंग, ट्रेनिंग एंड प्रमोटिंग एम्प्लॉयज। ये सुपरवाइजर्स जो होते हैं ये मिडल लेवल मैनेजमेंट के साथ हेल्प करते हैं कि एम्प्लॉयज़ को कैसे रिक्रूट किया जाए, कैसे भर्ती किया जाए, कैसे उनकी ट्रेनिंग दी जाए और उनको प्रमोट किया जाए। देन फिफ्थ, इन्वाइटिंग सजेशन। दे इन्वाइट सजेशन फ्रॉम देयर सबॉर्डिनेट एज टू हाउ द क्वालिटी ऑफ वर्क कैन बी इम्प्रूव। अब क्या है, ये अपने सबॉर्डिनेट, अपने वर्कर्स जो काम कर रहे हैं उनकी भी क्या है, सजेशंस को सुनते हैं ताकि कैसे काम को और अच्छे से, उनकी क्वालिटी को, काम की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। देन लास्ट इज क्रिएटिंग बेटर ह्यूमन रिलेशन। दे क्रिएट बेटर ह्यूमन रिलेशन सो दैट अल्टरकेशन कैन बी अवॉइडेड एट द वर्क प्लेस। और ये जो हैं बेटर, अच्छे से ह्यूमन मतलब आपस में मिलकर चलते हैं ताकि काम की करने की जगह पे कोई भी एक दूसरे से नाराज ना हो सके और वर्क प्लेस पर अच्छा इन्वायरमेंट जो है वो बन सके, मतलब वर्कर्स जो हैं आपस में अच्छे से काम कर सकें, ठीक है। अब ये थे हमारे 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब आप इसको अच्छे से रीड करिए और इसके नोट्स भी साथ साथ बनाते रहिए।